गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राकेश आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का और अभी का एस्टेट का लेटेस्ट अपडेट को लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूँ। जहाँ तक आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि मैंने कहा खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, क्यों खुशखबरी बोला है इस वीडियो में आप लोग को पूरा पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सीट बढ़ाने के लिए PIL दाखिल कर दिया गया है। किसके द्वारा यह PIL दाखिल किया गया है ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और अगली बात कि सिक्स्थ फेज और सेवन्थ फेज के लिए अभ्यर्थियों के लिए क्या संदेश है ये भी मैं इस वीडियो में आप लोग को पूरा बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि क्या संदेश है, किस तरह से आपको सीट इंक्रीज होने के लिए क्या PIL दाखिल हुआ है, सारी बातें मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे जो भी अभ्यर्थी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक दिन पहले सीट बढ़ाने के लिए जो दिलीप कुमार जी हैं उन्होंने, वो एक एस्टेट अभ्यर्थी भी हैं और वो एस्टेट क्वालिफाई भी हैं, तो उन्होंने एक PIL दाखिल किया है। तो उन्हीं के शब्दों में जो उन्हीं से हम लोग सुनना चाह रहे हैं, अभी सुनने जा रहे हैं कि उनका क्या संदेश है सिक्स्थ फेज और सेवन्थ फेज के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उन्हीं से उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं कि वो क्या संदेश आप लोगों के लिए कहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप झा आज आप लोगों के सामने आया हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टेट क्वालिफाई स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने एक PIL दायर किया है हाईकोर्ट पटना में, जिसका केस नंबर है CWJC 12489/2021। इस संदर्भ में मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे PIL का जो ध्येय है, यानी जो मैटर है, वो ये है कि संपूर्ण बहाली हो। मैंने बिहार सरकार से ये आग्रह किया है कि 2021-19 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 21 में रिजल्ट आया उसका, जितने भी कैंडिडेट पास हैं सबकी नियुक्ति हो। मेरिट नॉन मेरिट की मैंने इसमें कोई चर्चा नहीं की है। मैंने उनसे ये बताया है कि आपके पास जितने सीट खाली हैं, पूर्व में शिक्षा मंत्री ने भी ये बताया था कि पूरे बिहार के स्कूलों में लगभग 2,75,000 सीट अभी खाली है। तो इस संदर्भ में मैंने उन्हें बताया है कि आपके पास सीट उपलब्ध है, कैंडिडेट भी पास हैं, तो नया एग्जाम नहीं करा के पहले जितने स्टूडेंट पास हुए हैं सभी की नौकरी पक्की कीजिए, सबकी नियुक्ति होनी चाहिए और सबको जॉब मिलना चाहिए। ये मेरा मेन मकसद है PIL करने का। PIL करने के से पहले मैंने पटना में 10-15 दिन काम किया, शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से और भी शिक्षा विभाग के बहुत लोगों से मिला, और वहाँ से मुझे ये चीज़ पता चला कि पटना में कुछ ऐसे ही लोग हैं जो स्टूडेंट को अपने झांसे में लेके उनसे चंदा कलेक्ट करके और केस के नाम पे ठगी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। मैंने इस PIL में किसी भी कैंडिडेट से एक भी रुपया चंदा नहीं लिया है। मैंने खुद अपने पैसे से और सभी छात्रों के हित में को देखते हुए ये काम किया है और PIL दायर किया है। और मेरे PIL का मुख्य मकसद यही है कि सबकी नियुक्ति हो, ऐसा किसी खास विषय किसी खास के लिए नहीं है, ये मैंने सभी लोगों के लिए किया है। और दूसरी बात, मैं और भी सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, अपने मित्रों से कहना चाहूँगा कि जो छठे चरण के अभी जा रहे नियोजन में, खासकर उनके लिए कि आप लोग सरकार से जाके मिलिए, आप मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाइए या शिक्षा मंत्री से, और उनसे आग्रह कीजिए कि सर डोमिसाइल को लागू किया जाए। यहाँ पे UPMP वाले आ रहे हैं और जितने भी UPMP के स्टूडेंट आते हैं उसमें 80% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 90% से ऊपर नंबर आए और वो लोग नियुक्ति में शामिल होते हैं, उनका चयन हो रहा है, बिहार वाले ऐसे ही रह रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा ये आग्रह है कि आप लोग जाके मिलिए और सरकार से ये रिक्वेस्ट कीजिए कि बिहार में भी डोमिसाइल लागू कीजिए और बिहार में बिहार वालों की नियुक्ति हो। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।